जो हर साल हम इसे जलाते हैं, नवरात्रि के दसवें दिन हम हर साल रावण जलाते हैं, मतलब कई सारे भीड़ होती है, भीड़ इकट्ठा होती है, वो सब मिलके एक पुतले को जलाते चलाते हैं, कुछ बच्चे उसका नारा लगाते हैं कि शायद गंदी गंदी गालियों के साथ नारा लगाते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि मतलब जैसे कि जिनकी कुछ उम्र ही नहीं है फिर भी वो रावण को गालियाँ दे रहे होते हैं, और मतलब पूरा एक उसका पुतला दहन होता है, सब कुछ होता है, हर साल होता है, लगातार होता है। तो ये क्यों हो रहा है हर साल? क्योंकि हमें पता है कि रावण मर ही नहीं रहा है, हम सबके अंदर एक रावण है जो कभी मर ही नहीं रहा है। अगर हम इसे पिछले, अगर हम अपने अपने हिस्ट्री में जाते हैं, अगर हम वहां इसके बारे में सोचते हैं कि रावण है क्या, क्या था रावण, तो हमें पता चलता है कि रावण एक्चुअली में एक मतलब कोई एक पर्सन तो था ही, एक जो अगर हम पुतला जला रहे हैं तो वो डेफिनेटली हम किसी एक पर्सन का पुतला जला रहे हैं, राइट? तो वो पर्सन कौन था एक्चुअली में, कौन था रावण, और हम लोग कौन है उसे जलाने वाले? रावण एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसा विद्वान था जिसे सिर्फ मानने की ताकत सिर्फ भगवान राम में थी और किसी में नहीं थी। रावण वो है जिसके हम उसी के डायग्राम्स यूज करके आज हमने एरोप्लेन बनाया, इंसान ने एरोप्लेन बनाया, हमने उसकी टेक्निक्स अपनाई, तब हमें पता चला कि हाँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिसके जरिए हम उड़ सकते हैं, वरना ये नामुमकिन था, रावण के बगैर ये नामुमकिन था। ज्योतिष शास्त्र आज भी रावण के द्वारा लिखी गई एक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, जिसके बेस पे हम ज्योतिष हमें तर्क देते हैं। तो रावण कौन है एक्चुअली में, रावण था कौन जिसे हम जला रहे हैं, हर साल जला रहे हैं, हर साल मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मर ही नहीं रहा, क्यों ऐसा है? और हम होते कौन है हर साल उसका पुतला जलाने वाले, कौन है रावण? हम जानते भी हैं उनके बारे में, बस हम हर साल कुछ भीड़ इकट्ठा होती है और रावण को जलाया जाता है, ये गलत है। मतलब हम हमारा यूथ किस तरफ जा रहा है हमें कुछ पता नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं कौन था रावण, क्या था रावण, बस भाई पगल वगैरह ने बोला बस हम लोग उसे जलाना है एंजॉयमेंट के लिए शायद, बट हमें उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि वो था कौन और उसकी गलती क्या थी जो हम उसे हर साल मार रहे हैं, या शायद हमें पता है कि वो मर ही नहीं रहा है इसलिए हम उसे हर साल मारे जा रहे हैं। रावण एक इंसान बाद में, पहले एक सोच था रावण की, जो कहते हैं कि भाई रावण के अंदर बहुत सारा अहंकार था, रावण के अंदर वासना थी, रावण के अंदर क्रोध था, ये तीन जो हैं ये उसकी विचारधारा थी। तो हम हर साल इसलिए उसका पुतला दहन कर रहे हैं शायद क्योंकि हमारे अंदर का वो विचार मर ही नहीं रहा है। रावण ने दुनिया पे राज किया, तीनों लोकों पे राज किया कहते हैं, मतलब लाइक स्वर्ग हो गया, नरक हो गया और हमारा भूलोक हो गया, तीनों लोक पे रावण ने राज किया। अभी ये दोनों लोक का तो मुझे पता नहीं कि स्वर्ग लोक का है कहाँ पे या फिर भूलोक कहाँ पर है, बट हमारे दुनिया पे तो आज भी रावण वो ही राज कर रहा है, कंप्लीटली सिर्फ रावण राज ही है हर जगह। हम हर इंसान के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, हर इंसान के अंदर वासना भरी हुई है, हर इंसान के अंदर एटीट्यूड अहंकार पूरा कूट कूट के भरा हुआ है हम सबके अंदर, शायद यही है रावण। भगवान राम ने तो रावण को इसलिए मारा ताकि हम सबके अंदर राम जिंदा रह सके, पर किसी के अंदर भी राम जिंदा है तो हम लोग होते कौन है उनका पुतला जलाने वाले? हम तो राम नहीं है, ऐसे कई लोग थे उस वक्त भी जो रावण को नहीं मार पाए, रावण को मारने के लिए सिर्फ भगवान श्री राम थे। अरे भगवान राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और रावण भी मर्यादा था, मर्यादा रखता था। सीता माता को हरण करने के बाद उसने सीता माता को हाथ तक नहीं लगाया, उसने दुश्मनी की लेकिन मर्यादा में, हम तो वो भी नहीं करते। आए दिन लड़की छेड़ने की हमें वाक्या सुनने को मिलती है, फिर रेप, ये सब क्या है? हम सबके अंदर रावण है, शायद हमारे 10 सिर नहीं इसलिए हमें पता नहीं चल रहा, बट हम सब रावण है, हम सब पे रावण राज कर रहा है, आज भी राज कर रहे हैं और हम अपने राजा को जला रहे हैं शायद। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं, बस सब लगे हुए हैं। क्यों जलाना, क्या है रावण? रावण एक विचार है, हमें उस विचार को मारना है जो अपने अंदर है। और अगर हम एक रोड पे भी जा रहे होते, चलो लाइक बाइक लेके मैं जा रहा हूँ अपने रोड पे, पीछे किसी ने हॉर्न मार दिया, हमें इतना गुस्सा आता है कि बस उसे हम गालियां देते हैं, रोक के शायद उसे कुछ बोलते हैं, उसकी उम्र नहीं देखते, वो लड़का लड़की हम नहीं देखते, बस हम अपना गुस्सा निकालते हैं। कहीं ना कहीं वो भी हमारे अंदर का रावण ही है, एक बेफिजूल लोगों पे गुस्सा करना,
कोई एक मतलब लड़की जा रही है कॉलेज के बाहर, कुछ लड़के उसे छेड़ रहे हैं, वासना के लिए अपनी, किस चीज के लिए? आए दिन सुनने आता है कि भाई 5 साल की लड़की से रेप हो गया, 10 साल की लड़की का रेप हो गया, किस लिए? वासना है हमारे अंदर, रावण तो वही है ना, क्रोध अहंकार वासना हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है वो, हम सबके अंदर। तो रावण नहीं भर रहा हर साल, तो बेफिजूल क्यों हम पुतला जला रहे हैं और किस लिए जला रहे हैं हम? या तो, और सबसे बड़ी बात, ना तो हमारे घर में कोई बात करता है कि राम कौन था, रावण कौन था। हाँ यूथ है हमारा, नहीं जानते हो, हमें पता, हमसे पूछो आप कौन है रघु, कौन है राघव, कौन है रणविजय, कौन है सलमान खान, कौन है आमिर खान, हमें सब पता है, बट रावण कौन है, राम कौन है, हमें नहीं पता। जो लोग कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की मैं गलती तो नहीं कहता, बट कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही जरूर कहूंगा कि जो हमें नहीं बताते। आप हमसे बात क्यों नहीं करते? आप अपने बच्चों से बात करो, आप यूथ से बात करो। हम इंडिया है, दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है, पर हमें अपने इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। बस ज्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ नशे में कोई लिप्त है, कोई किसी को कोई गोल नहीं है अपने लाइफ का, पर हम ये सब चीज करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। हम कभी भी किसी गर्ल्स के बारे में कुछ चिट चैट करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए हम पीछे नहीं हटते, किसी लड़ाई में हम पीछे नहीं हटते। हम सबके अंदर एक ये है कि हाँ दिस इज मी, ये मेरा पावर है, मेरा अहंकार है, ये मेरा रावण है, ये मेरे अंदर का रावण है, ये जो मैं सबके सामने बाहर दिखाना चाहता हूँ। आम तो मैं दिखाना भी नहीं चाहता, नेगेटिव मेरे अंदर नेगेटिव जो पावर है मैं उसी को दिखाना चाहता हूँ। रावण नहीं मर रहा है, हर साल हम उसे जिंदा कर रहे हैं अपने अंदर। रावण किसी एक पुतले में नहीं है, रावण हम सबके अंदर है, और हमें खुद को नहीं जलाना है, हमारे अंदर के उस विचार को जलाना है, अहंकार को जलाना है, वासना को जलाना है, क्रोध को जलाना है, हमें रावण को जलाना है, रावण के पुतले को नहीं। तो बार बार ये सब करना प्लीज बंद कीजिए, पर अपने अंदर के विचार को जलाइए अपने, और अगर जो एल्डर्स हैं वो अपने बच्चों से बात कीजिए, वो भी रावण को जलाइए जो उनके अंदर आने वाला है। कहीं ना कहीं हम रोड पे ये सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम स्कूल में ये सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम घर पे ये सीख रहे हैं कि गुस्सा से कितना, गुस्सा क्या है, क्रोध क्या है, सब कुछ हम घर पे सीख रहे हैं या फिर बाहर सीख रहे हैं, दोस्तों में सीख रहे हैं। हम कहीं ना कहीं हर साल अपने नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। रावण को मत बढ़ने दो, हमें रावण के पुतले को नहीं जलाना, हमें रावण एक विचार को जलाना है, क्योंकि हम सब राम नहीं है कि रावण को मार लेंगे, पर हम अपने विचार को तो बदल ही सकते हैं। जय श्री राम।